Oh, yeah. नमस्कार मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स आपने दो वीडियो अभी देखे घटना पंजाब के पटियाला की है जहां पर दो पॉलिटिकल राजनीतिक गुटों के बीच झड़प हुई और उस झड़प का जो मुख्य केंद्र बना या एक तरह से कह सकते हैं कि जो उस झड़प में घायल हुआ वो एक ऐसा धर्म था जिसका उस राजनीति से कोई लेना देना नहीं था मतलब हिंदू निहंगों की एक टोली और उसमें काफ़ी सिख भी थे उन्होंने शिवसेना बाल ठाकरे शिवसेना ये महाराष्ट्र वाली ने उसका एक अलग है बाल ठाकरे करके पंजाब में कहा जाता है सोलह सत्रह शिवसेना अलग अलग नाम से हैं वहाँ पे उन लोगों के बीच एक झड़प होती है झड़प किस बात को लेके होती है और वो भी जब हम जानते हैं कि उनके झड़प का मुख्य कारण यह था कि एक ये पन्नू जो है ख़ालिस्तान और सिख फॉर जस्टिस का उधर कनाडा से चलाता है और उनका पूरा जो एक गिरोह है इन लोगों ने 29 अप्रैल को एक खालिस्तान स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की थी तो ये लोग एक हरीश सिंगला करके एक नेता हैं जो ये शिवसेना बाल ठाकरे के हैं उन्होंने कहा कि हम खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालेंगे तो ये खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च की बात जब इन्होंने सुनी जो दूसरे गुट के लोग थे 11 बजे निकलने वाला था वहाँ पे पुलिस की हैवी मतलब बंदोबस्त हो गया पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और उसके बाद फिर दोनों गुटों को दोनों राजनीतिक गुटों को और एक कह सकते हैं कि वो पंथ विशेष का गुट था सिखों का तो वो इसमें हिंदू कहीं पे नहीं था इन दोनों को समझा बुझाकर भेज दिया गया कि लड़ाई झगड़ा मत करो जो भी है दोनों में किसी के पास कोई परमिशन नहीं थी खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च एक निकला और उसके विरोध में आप सोचिए कि खालिस्तान मुर्दाबाद जो कह रहे थे उसके विरोध में सिखों का एक जत्था आता है एक गिरोह आता है और वो अटैक करता है पत्थरबाजी होती है और इस पत्थरबाजी के बीच ये आर्य समाज चौक से बात होते होते जो है दूसरे चौक पे पहुंचती है और वहाँ पे जो काली माता का मंदिर है उस पर पत्थरबाजी होती है आपने सुना है किस तरह की भद्दी गालियाँ दे रहे थे सिख और वो पूरा पूरा तहस नहस करने का उसका प्रसाद गृह और बाकी जो मंदिर था बाद में इन्होंने ताला लगा लगाया ताकि हिंदुओं के वहाँ पे जो भी थे जिनका कोई लेना देना इससे नहीं था उनकी जान बची इसमें एस समेत चार पुलिसकर्मी जो है घायल हुए हैं बाकी कुछ लोग भी घायल हुए हैं पत्थरबाजी भी हुई है डंडे चले हैं और तलवार चले हैं निहंगों का जो एक सिग्नेचर है कि कभी हाथ काट देते हैं कभी जान से मार देते हैं बेअदबी के नाम पे कुछ कर रहे हैं मानसिक विक्षिप्त को इन्होंने लिंच करके मार दिया है और हमने देखा है गुरुद्वारे में एक बिहारी महिला थी उसको बीड़ी पीने के आरोप में जो उसको उसकी बेटी के सामने थप्पड़ मारे थे मतलब निहंगों की मर्दानगी हम लोगों ने काफ़ी देखी काफ़ी क्या कहते हैं काफ़ी वीर पुरुष होते हैं मर्द होते हैं एकदम से और हमने मर्दान की कई जगहों पे देखी है और आ, आ, कई जगहों पे हम मर्दान की नहीं भी देख पाए वो हम नहीं कहना चाहते इससे वृहद सिख समाज जो है वो नाराज हो जाएगा नाराज़ उनको होना भी चाहिए क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो ये लोग टिपिकली उसी तरह का रवैया अपनाते हैं जो अभी तक मुस्लिम लोग अपनाते रहे आतंकवादियों को लेकर या तो वो कह देंगे कि वो असली सिख नहीं है कम से कम मुस्लिम ये कहते हैं कि वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं हमने एक सिख को नहीं सुना है ऐसे घटनाओं को कि निंदा करने को एक सिख को नहीं देखा वो कहीं ना कहीं अपने हृदय में हिंदुओं के लिए एक घृणा लेकर टहल रहे हैं इसका कारण जो भी रहा हो इसका कारण पिछले चार पाँच साल में रहा हो किसान आंदोलन से लेकर रहा हो जो भी रहा हो हमने इनके पॉलिटिकल या सामाजिक आंदोलनों में हिंदुओं के प्रति घृणा देखी है हिंदुओं को इन्होंने काटा है मारा है बिना काम का लिंच किया है और उस पर पूरा सिख समाज एक बहुत ही अच्छे से मौन जो है धारण किए हुए दिखता है अब हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च से किसी को क्या समस्या हो सकती है आप जान लीजिए कि ये गैर कानूनी है, अवैध है आप इस देश में रहकर कोई भी उस तरह के मूवमेंट को जो अलगाववादी है अगर आप उसको समर्थन दे रहे हैं और जो कि वस्तुता यहाँ पे हो रहा है तो इसका सीधा और स्पष्ट जो केस बनता है राजद्रोह का बनता है क्या आप राष्ट्र को तोड़ने वालों के खिलाफ हैं और वहाँ पर खुल्लम खुल्ला पुलिस के सामने आपने एक वीडियो में देखा कि वो किस तरह से नारे लगा रहे थे राज करेगा खालसा खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे आज से नहीं लग रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद के नारे सी ए वाला जो हो रहा था 2019 के अराउंड से तब से लग रहा था और अब जब आम आदमी की सरकार आई है तब खालिस्तानियों की रैलियाँ पहले कुछ लोग आप कह सकते हैं क्लोजटेड खालिस्तानी समर्थक थे वो बाहर नहीं आ रहे थे अब क्या है कि वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये सरकार कैसे बनी किन बातों पे बनी अरविंद केजरीवाल का खालिस्तान को लेके क्या रवैया है राघव चड्डा जो है खालिस्तानियों के लिए वहाँ पे इंटरनेट लगा रहा था ये जो किसान आंदोलन चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस तरह की रैलियाँ अचानक से अब गली मोहल्लों में मतलब अमृतसर में निकल रहा है लुधियाना में निकल रहा है पटियाला में निकल रहा है जलंधर में निकल रहा है इस तरह की रैलियाँ बहुत ही आम होती जा रही हैं और आम आदमी पार्टी की पुलिस कभी तेजीधर बग्गा को पकड़ने जाती है कभी कुमार विश्वास को मतलब जिस राज्य की पुलिस इनके हाथ में लगी है तो अब ये उस राज्य की पुलिस को आम आदमी पार्टी की पुलिस मानकर जहाँ मन होता है वहाँ पे ये भेज देते हैं कि उसको अरेस्ट कर लो उसको अरेस्ट कर लो ये सारी बातें आम हो गई हैं इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदू मंदिर क्यों एक कैजुअलिटी होती है इन सब में तो कहीं ना कहीं इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और सिख लोगों की एक और बात में यहाँ पे ध्यान उनका आकर्षण करना चाहूंगा कि अकेला नरसंहार जो सिखों का हुआ है मतलब आजाद भारत में वह एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया था इनके अगेंस्ट कांग्रेस वालों ने और उनकी सरकार पंजाब में लगातार बनती रही है उसके बाद भी और यहां पे क्या हो रहा है हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मसले से लेकिन हिंदुओं के प्रति घृणा लगातार एक के बाद एक हम मामले देखते जा रहे हैं पंजाब में सिख कौम के द्वारा की जा रही है इसको हमने बात करने की जब कोशिश की थी रमनिक मान से तो उन्होंने बताया कि ये अब्राहमिक सिखिज़म की तरफ वो लोग जा रहे हैं अब इनके धर्म ग्रंथों में उसका जब आप अनुवाद सुनेंगे इंग्लिश में तो वहाँ पे राम अगर है हरि है गोपाल है कृष्ण है तो उसको ट्रांसलेट करके ओ डियर ऑल सुप्रीम बींग वो एक तरह से जो कौरानिक ट्रांसलेशन होता है ना कुरान वाला अनुवाद उस तरह का कि आप अरबिक से इंग्लिश में जैसे करते हैं तो यहाँ पे भी भगवान की जगह ईश्वर की जगह राम की जगह गोपाल की जगह कृष्ण की जगह यहाँ पे इनके जो YouTube पे आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे मिलेगा कि धर्म ग्रंथों से हिंदुओं के जितने नाम हैं देवी देवताओं के वो अलग होते जा रहे हैं और अब्राहमिक सिखज़म जो है कि मतलब एक ईश्वर और हमारे पैगंबर हैं वो वाले राह पे चलते हुए ये लोग अपने आप को भी इस्लाम के ज़्यादा करीब पाते हैं और हिंदुओं से उतना ही दूर ये चले जाते हैं अब हिंदुओं से दूर जाने का इनका कारण हो सकता है कि हिंदू खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता और ये लोग करते हैं और ख़ालिस्तान ठीक ठाक जो है फंडिंग देने के लिए ऐसे इवेंट्स में तैयार खड़ा दिखता है वैसे ये पन्नू वन्नू जो है पोस्टर छापता है आज तक किसी को इसने एक भी डॉलर दिया हो इसका कोई सबूत कहीं पे नहीं है इसके बाद क्या होता है कि ये सब हो गया तो वो हरी सिंगला जो था उसको गिरफ्तार कर लिया गया बाकी उस चौक पे खड़े होकर जो राज करेगा खालसा और ख़ालिस्तान जिंदाबाद और इतनी रैलियाँ जो निकल रहे हैं जिसपे स्पष्ट तौर पे राजद्रोह का केस बनता है उनके ऊपर गिरफ्तारियां हुई नहीं हुई इस पर कोई खबर नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि इस पर गिरफ्तारी होने वाली है क्योंकि हम और आप सब जानते हैं वो गिरफ्तारी क्यों नहीं होगा भगवंत मान के भी सर पे पगड़ी है और जो वहाँ पे चिल्ला रहे हैं निहंग है उनके भी सर पर पगड़ी है तो एक मुझे लगता है कि वो कारण हो सकता है दूसरा कारण एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है भगवंत भगवंत मान या आम आदमी पार्टी का खालिस्तानियों को लेकर रहा है तो वो दिखता है इसमें पुलिस वहाँ होने के बाद बीच बचाव करने के बाद भी ये होता है ये कैसे होता है मुझे नहीं पता पुलिस कहते हैं कि हमने जो है आ, शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील दोनों पक्षों से की है इसमें आप ये बताइए कि दूसरा पक्ष कैसे दे है या इसमें वस्तुतः तीसरा पक्ष है हिंदुओं की काली माता का मंदिर उसका उसका नुकसान कैसे हो जाता है उस पर पत्थरबाजी क्यों होती है उस पर क्यों चढ़ता है सिख उसको क्या काम है उससे तलवार लहराते हुए चलते हैं तो हम जिस इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर जो है सशंकित होते रहते हैं उसकी भर्सना करते हैं उसके बारे में बोलते हैं अब हमें इस तरह के भी आतंक से जो पूरी तरह से एक तो भारतीय राष्ट्र की स्वायत्तता और अखंडता के ऊपर प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा होने जा रहा है और ये लंबे समय से चल रहा है मुझे नहीं पता कि हमारी सेंट्रल एजेंसियाँ क्या कर रही हैं या उन्होंने इसको कम आका था उन्हें लग रहा था कि इस तरह की फंडिंग नहीं होगी एक साल से अधिक जो है आपका किसान आंदोलन जो है वो वो चल जाता है और देखिए किसानों को क्या मिला बाबा जी का टुल्लू ही मिला आम आदमी पार्टी ने किसानों को पिटवाया है सत्ता में आते ही पिटवाया है उनको और वही अडानी के साइलोज जो है दोबारा से खोले गए हैं गेहूं वही अडानी खरीद रहा है जिसकी दुकान ये लोग बंद करवा रहे थे और बंद पड़ा हुआ था किसान आंदोलन के समय पे और ऑबियस सी बातें कि इस तरह की इंफॉर्मेशन और ये इंटरनेट भी वो जियो के सिम से चला रहे होंगे क्योंकि वो सस्ता है वही जियो जिसके तार काटते हुए पंजाब में हमको आपको ये ये लोग मिले थे निहंगों पर सिख समाज को कुछ करना होगा आप ये कहकर नहीं बच सकते कि ये कुछ लोग हैं आप अगर ये कुछ लोग हैं ये भटके हुए लोग हैं अगर आप ये कहकर इन्हें बचाते रहेंगे तो ये आपके धर्म को उसी तरह से हार्म करेगा जैसे टेररिस्ट इस्लाम को कर रहे हैं वही मुझे होता दिखता है क्योंकि धीरे धीरे जिस हिंदू और सिखों के बीच की एक खाई को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग बार बार कहते हैं कि नहीं वो हमारे अपने हैं उसमें ये दरार जो है डलती जा रही है और वो अलग होता जा रहा है और वो अलग इसलिए होता जा रहा है कि हर बार तलवार भाजते हुए पत्थरबाजी करते हुए आगजनी करते हुए हमें सिख दिखते हैं हमें निहंग दिखते हैं और उस पर वृहद सिख समाज चुप्पी बांधे रहता है अब आप कहेंगे कि सिख समाज बांधा हिंदू क्या कर रहा है हिंदुओं की प्रकृति नहीं है उस तरह की और वह प्रकृति हो सकता है कि हज़ार साल में बारह सौ साल में हमारी उस प्रकृति को कि हमारे जो क्षत्रिय होते थे जो लड़ते थे अपने मंदिरों की रक्षा की क्या करते थे वो धीरे धीरे जो है जिस भी कारण से है वो गायब कर दी गई हम अपनी धार्मिकता से विलग होते जा रहे हैं बहुत कम लोग बचे हैं जो अपनी धार्मिकता को लेकर सहज हैं हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि अब एक रिवाइवल हो रहा है और लोग धार्मिक प्रतीकों को लेकर सजग हो रहे हैं जिन्होंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया था वो शुरू कर रहे हैं मंदिरों को लेकर हम चिंतित हो रहे हैं कम से कम हम और आप चर्चा कर रहे हैं तो हिंदू समाज ठीक है आत्मरक्षा के लिए वो दूसरे हथकंडे अपना रहा है कि अपने मतलब कि सरकारें हम चुन रहे हैं हमारे जितने भी मंदिर थे जीर्णोद्धार उसका करवा रहे हैं बट इट इज़ नॉट एनफ़ जब आपके ऊपर पंजाब में 40 परसेंट पॉपुलेशन हिंदुओं की भी है तो वो वो लोग कहाँ हैं मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ दो गुटबाजी हो रही थी तीसरा पक्ष आ जाना चाहिए लेकिन क्या अब हिंदू संगठन को उस काली माता के मंदिर के सामने बैठकर आमरण अनशन पे नहीं बैठना चाहिए शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए कि जब तक जितने लोग उस चौक पे उस वीडियो में जो दिख रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं जो लोग काली माता के मंदिर पर चढ़कर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये सब जेल में नहीं जाए तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे वहाँ के जितने धार्मिक संगठन हैं या जितने हिंदू हैं उनको बैठना चाहिए इस तरह से आप दबाव बनाइए अगर आप नहीं बना सकते हैं तो फिर हमें मतलब कोसना बंद करना होगा एक आस्पेक्ट यह भी है अब आम आदमी पार्टी का जो इस पे स्टैंड है उनका है कि ये तो शिवसेना और अकाली दल वालों की, की समस्या है इसमें हम कहीं नहीं तुम हो क्योंकि कानून व्यवस्था तुम्हारे पास है, तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते तुम ही लोगों की शह देने के कारण खालिस्तानियों का मन बढ़ा हुआ है और वो इस तरह के काम करते हैं इसलिए आम आदमी पार्टी चाहकर भी इससे अपने आप को डिसोसिएट जो है नहीं कर सकती है पंजाब का आप देखिए कि फ्यूचर इस तरह में कहाँ जा रहा है जिस तरह से ये ये रैलियाँ लगातार निकल रही हैं और आ, मुझे एक व्हाट्सएप पे मिला लंबा सा लिखा हुआ संदेश कि ये जो है कुछ लोग हैं दोनों ही गुटों के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि वो मीडिया में आए वो कहीं पे नज़र आए उससे उनको कुछ फंडिंग मिल जाए कुछ डॉलर मिल जाएंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं और इस पर हमें आ, कोई कोई कठोर स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि हम उनकी भर्सना ना करें ये आरंभ बिंदु होता है जहाँ से हम उस स्थिति में पहुँच जाते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके किस मंदिर में कब बम फूट जाए ये आप याद कीजिए यूपीए पी वन और टू का दौर जब कितने बम फटा करते थे तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम फ्रिंज कह कर दुतकारते रहेंगे दुतकार भी नहीं रहें उपेक्षा अगर करते रहेंगे तो वो एक दिन यह बहुत बड़ा स्नो बॉल बन के आएगा एंड इट विल रेक द होल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी डाउन सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देगा अगर हम इनको जो अंग्रेजी में कहावत है निप इन द बड ये जो ही अभी ये एक्सपैंड करना चाह रहे हैं हमें उसी समय इसको वहीं पे चॉप करना हो लगातार जो ये लोग कह रहे हैं इस बात की उपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं इससे समाज में दरार उत्पन्न हो जाएगा उन्हें यह बात जान लेना चाहिए कि पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच सिखों की तरफ से खास करके ऑलरेडी दरार है दुर्भावनाएं उनके मन में हैं ये हम और आप नहीं जानना चाहें हम अपनी आंखें मूंदे रहें तो उससे ये दरार अपने आप गायब नहीं हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं चाहे आप रकाबगंज गुरुद्वारा की तस्वीरें देख लें वो अपने सर पर पगड़ी धारण करते हैं उन्होंने उसी लाल किले से जिस पर किसान आंदोलन के नाम पे ये जो खालिस्तानियों ने अपने झंडे लगाए थे वहीं पे प्रकाश पर्व करके और उन्होंने जो है वहाँ से श्रद्धांजलि दी है हाल ही की घटना ये सब किया जा रहा है ताकि उन्हें सिख समाज को ऐसा ना लगे कि हिंदू समाज या नरेंद्र मोदी की सरकार जो है या भाजपा सरकार जो है वो उन्हें अलग थलग करना चाहती लेकिन उसी तरह का प्रेम भाव वो उधर से जो है नॉन एग्जिस्टेंट देखता है नॉन एग्जिस्टेंट मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने अभी वीडियो के पहले हिस्से में भी बात की कि लगातार कोई भी इस तरह की होने वाली घटनाओं हो की भर्सना नहीं कर रहा है निंदा नहीं कर रहा है गुड सिख बैड सिख तक वाली बात नहीं हो रही है कि ये हमारे लोग नहीं है नहीं इनको इनका मौन समर्थन मौन सहमति जो है उपलब्ध है और इसी कारण से आप देखेंगे कि निहंग एक के बाद एक इस तरह की जघन्य घटनाएं जो हैं क्रूर और निशंस हत्याएं करते जा रहे हैं हाथ काट रहे हैं और इनके ऊपर कोई मतलब ना तो कानूनी कार्रवाई होती दिखती है कि इनका उदाहरण बनाया जाए ना ही सिख समाज इनकी भर्सना या निंदा करता है पंजाब का भविष्य जो है वो एक तरह से गर्त में जाता दिखता है अगर ये दरारें और भी चौड़ी होती चली गई तो आप देखेंगे आने वाले समय में गांव के मंदिर जो है तोड़े जाएंगे निहंग हो या इस तरह के उपद्रवी जो हैं सिख समाज के वो लगातार इस तरह के आक्रमण करते रहेंगे पुलिस का इनको टैसेड सपोर्ट जो है हासिल होता रहेगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने के बाद उन्हें एक तरह से इस तरह का फ्री हैंड मिला हुआ है कि वो हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लेंगे लेकिन वही तत्परता वो बाक़ी लोग जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और लगातार रैलियां करते हैं मैं सिर्फ इस घटना की बात नहीं कर रहा हूं उन सारी घटनाओं पे जो भारतीय राष्ट्र की स्वायत्तता और उनकी संप्रभुता के विरोध में दिखती है उस पर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर कितने अपराध साबित किए गए हैं कितने साक्ष्य सरकार ने अपनी तरफ से रखे हैं कितने लोगों को जेल में डाला है इस पे आंकड़े आने चाहिए सार्वजनिक और वृहद समाज को इसकी भर्सना करनी चाहिए कि ये वो समाज नहीं ये वो पंजाब नहीं है हम जिसकी ए, मतलब ये वो सिख समुदाय नहीं है जिसकी स्थापना की जड़ में हिंदुओं के बड़े बेटे हैं जिन्होंने अपने अपने बड़े पुत्रों को सिख बनने के लिए भेजा था आज वही सिख समाज या उसके कुछ लोग जो है अपने आप को हिंदुओं से दूर करते जा रहे हैं और उसके सारे प्रयास हो रहे हैं और इन सब के पीछे उस जड़ में वही खालिस्तानी विचारधारा है इस विषय पे और भी आगे कुछ उस तरह का घटित होता है जो हमारे लिए कवर करने योग्य है तो हम करेंगे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए हमें अपना सपोर्ट समर्थन देते रहिए नमस्कार